तो आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के पीडीपी नेताओं की बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में अहम और बड़ा फैसला बीजेपी ले सकती है कि गठबंधन पीडीपी के साथ आगे जारी रहेगा या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि सुबह से ही इस बड़ी मीटिंग पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ये गठबंधन जारी रहेगा, 2019 में भी इस गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि इस पर अभी तक फैसला बीजेपी की ओर से नहीं लिया गया है। कुछ देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तमाम बातें साफ होंगी कि आखिरकार ये जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ, उस पर समझौता या फिर कोई एक राय बन पाई है नहीं, ये आगे भी जारी रहेगा या फिर नहीं। आपको बता दें कि बीते दिनों जो सीज फायर का फैसला पीडीपी सरकार की ओर से लिया गया था, उससे नाखुश थे बीजेपी के नेता और आलाकमान, और इसी वजह से बीजेपी पीडीपी गठबंधन ये गठबंधन टूट गया है, इस तरह की खबर आ रही है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या खबर है, क्या अपडेट है, गठबंधन आगे जारी नहीं रहेगा, इसमें पूरी तरह से दरार आ चुकी है? जी बिल्कुल, गठबंधन टूट चुका है और बीजेपी के प्रधान अमित शाह ने आज सभी जो बीजेपी के मंत्री है जम्मू कश्मीर से, उनसे पूरा फीडबैक दिया है कि सरकार कितना डैमेज हो गया है बीजेपी को और सरकार से अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से जो है राजभवन श्रीनगर में एनएन वोरा को लेटर चला गया है कि विड्रावल ऑफ सपोर्ट के लिए पीडीपी के लिए, और सरकार जो है शाम तक गिर जाएगी, क्योंकि जैसे ही लेटर ऑपरेशन हो गया और चीफ मिनिस्टर महबूब मुफ्ती को राजभवन जाकर एनएन वोरा के सामने रिजर्वेशन देना पड़ेगा और सरकार इमीडिएटली जो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लागू किया जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद अगर दोबारा गठबंधन नहीं बनता है तो गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। जी यानी कि शाम तक महबूबा मुफ्ती अपना इस्तीफा सौंप सकती हैं, उसके बाद गवर्नर रूल लागू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है। ये तमाम बातें आप हमें बता रहे हैं, लेकिन महबूबा सरकार की ओर से क्या कहा गया, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, क्या उन्होंने किसी भी तरीके से गठबंधन को बचाने की कोशिश की? जी, इस तरह की ये अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और पीडीपी में, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से जो है केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती के कहने के ऊपर जितने भी कॉन्फिडेंस मेजर लिए थे, चाहे वो रमजान सीज फायर हो, चाहे वो पूरी तरह कॉन्फ्रेंस को कॉल किया जाए कि वो बातचीत करे, या बाकी लोगों के लिए वो सारे जितने भी हथकंडे थे वो सारे सरकार ने अपना लिए हैं और वायलेंस की कोई कमी नहीं आ रही है। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था अमरनाथ यात्रा को लेकर, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, और जिस तरह से पथराव की घटनाएं हो रही हैं, सरकार नहीं चाहती कि एक मैसेज आए पूरे इंडिया में कि बीजेपी काफी झुक चुकी है और बीजेपी जो है काफी कमजोर है। उसको देखते हुए जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति लागू जो है बाद में होता है, पहले जो जो गवर्नर रूल लागू होगा 6 महीने के लिए, और मुझे लगता है कि शाम तक जो है महबूबा मुफ्ती जैसे ही लेटर वहाँ पहुँच चुका है और महबूबा मुफ्ती को बुलाया जाएगा, उसको वो टेंडर करेगी रिजर्वेशन। और क्योंकि बीजेपी के अधिकतर मंत्री जो है दिल्ली में है और पीडीपी के मंत्री जो है कश्मीर में है, और इतना जो है काफी दोनों का गुस्सा है, क्योंकि पीडीपी के मंत्री और जो अभी तक जो सरकार है वो कंट्रोल नहीं पा रही थी कश्मीर वादी में, जिस तरह से पथराव होता है। अभी तक जो जितने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और जो होम मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह कश्मीर में गए थे, जम्मू में आए थे, वहां पर जो लोगों ने बोला था कि अगर गवर्नर रूल होता है तो कश्मीर में वायलेंस कम हो सकता है, क्योंकि लोगों को सरकार के खिलाफ गुस्सा काफी है। अश्विनी, आप बने रहिए।